हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलर इर्शा देसी। और आज के वीडियो में आप देखेंगे कोलकाता सिटी टूर, वो भी विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये है एलियट पार्क। कोलकाता पे बहुत सारे बड़े बड़े खूबसूरत पार्क्स है, उसमें से ये है एलियट पार्क, जो कि मैदान मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। और अभी हम एलियट पार्क को पीछे छोड़ के सामने की तरफ जा रहे हैं, और सामने जो क्रॉसिंग है वहाँ से हम राइट साइड पे जाएंगे और आपको पूरे सिटी घुमाएंगे। और वो भी आपको बिल्कुल खर्चा नहीं होगा घूमने के लिए। हाँ, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे टिकट के प्राइस होंगे, पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कोई खर्चा नहीं है। हम पूरे सिटी आज पैदल घूमने वाले हैं। तो क्रॉसिंग से राइट साइड के आके हम सीधे जा रहे हैं, हमारे राइट साइड पे दाएं तरफ पड़ रहे मैदान ग्राउंड, और बाएं तरफ आपको देखने को मिलेगी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जहां हम अभी जा रहे हैं। तो हम पहले विक्टोरिया जाएंगे। ये देखिए विक्टोरिया हॉल देख रहे हैं बाहर से, अभी हम गेट के पास आपको लेके जाएंगे। विक्टोरिया घूमने के बाद पूरे सिटी एक एक करके आपको घुमाएंगे दिन भर। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। हम अर्ली मॉर्निंग निकल आए हैं क्योंकि पूरे दिन भर घूमना है, वो भी पैदल घूमना है, तो टाइम थोड़ा लगेंगे। अभी उतना ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं पड़ी है, मौसम अच्छी है, प्रेजेंट वेदर है। तो विक्टोरिया के गेट के पास भी बहुत सारी भीड़ है। आप देखिए ये विक्टोरिया 10 AM से 6 PM तक खुले रहते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। और टिकट प्राइस से एडल्ट के लिए ₹30, बच्चों के लिए कम है, और फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा है ₹100 and ₹500। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, ये मैदान पे ही है, सेंट्रल कोलकाता पे। ये एक लैंडमार्क है कोलकाता की, और ये एक लार्ज मार्बल बिल्डिंग है। ये वही वाइट मकराना मार्बल है जिससे ताजमहल बनाए गए हैं, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी उसी सेम मार्बल से बना हुआ है। इसके चारों तरफ बहुत बड़े गार्डन है, बहुत खूबसूरत सजा हुआ गार्डन है, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स है, फ्लावर्स से, बैठने की जगह है, लेक है अंदर, और इसके अंदर आपको म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, 25 गैलरीज है टोटल, लाइक रॉयल गैलरीज, नेशनल लीडर्स गैलरी, स्कल्पचर गैलरी, आर्म्स गैलरी, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, 1906 से 1921 के बीच बनाया गया था। और ये देखिए लंबे लाइन है, सुबह सुबह यहाँ से चेकिंग हो रही है, फिर अंदर जा रहे। हम भी अंदर जाएंगे, और अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं है, पर आप फ़ोटो खींच सकते हैं ज़रूर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगी क्योंकि बाहर गार्डन ही बहुत बड़ा है, और अंदर भी आपको टाइम लगेगी। आप जाके सामने से घूम के आप पहले म्यूज़ियम को देख ले, उसके बाद आप गार्डन पे जितना टाइम आपको ले सके आप घूम सकते हैं, तो यही अच्छी होगी आपके लिए। और टिकट काउंटर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए। अभी हम मैदान में घुस रहे हैं। ये कोलकाता के सबसे बड़ा जो ग्राउंड होते हैं जहाँ खेल होते हैं फुटबॉल क्रिकेट, ये देखिए मेरे पीछे सबसे बड़ा ग्राउंड है ये। तो मैदान पे हम थोड़ा घूम लेते हैं। अब शाम को मैदान पे आएंगे तो देखेंगे बहुत सारी भीड़ है, और अभी सुबह सुबह आपको गेम देखने को मिलेगी, दूर क्रिकेट गेम खेल चल रही है आपको देखने को मिलेंगी, चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग देख रही है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट अर्बन पब्लिक पार्क इन इंडिया। एक्चुअली शहर के बीच सबसे बड़ा ग्राउंड है ये, कोलकाता पे ही है, इसको ब्रिगेड परेड ग्राउंड भी कहा जाता है। और फिर हम उसी रास्ते से फिर वो पार्किंग जोन पे आ गए, फिर हम जाएंगे दूसरे तरफ जहाँ से हम आए थे, ये वही पार्किंग जोन है। अब दूसरी तरफ आके हम अभी आ गए हैं सेंट पॉल कैथेड्रल पे। ये है सेंट पॉल कैथेड्रल, ये कैथेड्रल रोड पे है मैदान पे, ये बस उसी क्रॉसिंग्स के उस पार है विक्टोरिया, इस पार है ये सेंट पॉल कैथेड्रल। दिस इज़ अ चर्च, एक्चुअली ये चर्च है एंग्लिकन बैकग्राउंड के चर्च है, ये
पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है इसकी गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए। ये बिल्डिंग 1847 पे कंप्लीट हुए थे। और इसके सामने आपको देखने को मिलेंगी एक और चीज़, ये बिल्कुल बगल में है, ये है एमपी बिरला प्लानिटोरियम। एक प्लानिटोरियम है, यानी कि आप यहाँ पे तारे देख सकते हैं, दिन में भी तारे देख सकते हैं। तो ये बिरला प्लानिटोरियम पे, हाँ, आपको यहाँ पे बहुत शो होते हैं। एक्चुअली इट्स अ सिंगल स्टोरेज सर्कुलर स्ट्रक्चर डिजाइंड गैलरी है। ये एक टिपिकल इंडियन स्टाइल पे बना हुआ है। आर्किटेक्चर इज लूजली स्टाइल्ड एज बुद्धिस्ट स्तूप। और ये देखिए यहाँ पे शो के टाइम दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, हर लैंग्वेज पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और टिकट यहाँ पे है ₹80 है एडल्ट के लिए। स्टूडेंट ग्रुप, अगर स्टूडेंट ग्रुप पे आएंगे तो उसके लिए ₹25 है। वैसे आपको ₹80 का टिकट लेना होगा। तो यहाँ भी आप एक शो देख सकते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितने जाम लगे हुए हैं। हम जिस रास्ते से आए थे उससे उसके ऑपोजिट, ये वो तो वन वे थे, ये तो दाएं तरफ आएंगे तो आपको एक दूसरा वन वे दिखेंगे। वहाँ से आपको फिर उसी तरफ वापस जाना है। और ये देखिए बैनियन ट्रीज मुझे बहुत पसंद है। और तो यहाँ से वहाँ से हम आगे की तरफ आए तो ये पार्क स्ट्रीट आ गए। ये देखिए पार्क स्ट्रीट के ब्रिज है, ओवर ब्रिज। और नीचे से आप जाएंगे तो आपको पार्क स्ट्रीट मिलेंगी। और आगे जाके आपको, आगे आप जितना जाना चाहते हैं आपको जाना है। ब्रिज के ऊपर से तो गाड़ियाँ जाते हैं, आपको पैदल जाना है तो नीचे ऐसे फुटपाथ से जाना होगा। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह सारे के सारे दुकान खुले नहीं है। ये देखिए यहाँ पे खाने हो रहे, पाव भाजी हो रहे, हम सुबह से अभी तक खाए नहीं है। और ये देखिए ऐसे हम क्रॉस कर रहे हैं। देखिए एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ से हम फिर क्रॉस कर रहे रास्ते तो ये पार्क स्ट्रीट आ गए हैं हम। ये पार्क स्ट्रीट ही है, यहाँ पे हम क्रॉस करके फिर आगे की तरफ फुटपाथ से फिर पैदल जाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए स्ट्रीट शॉप्स बहुत सारी है, खाने की चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी। यहाँ पे देखिए चाट्स वगैरह है रास्ते पे जो होते हैं। ये देखिए कैब से तो कपड़े की दुकान भी, हर तरह के दुकान यहाँ पे लगे हुए हैं फुटपाथ पे भी, बुक्स के दुकान है। तो यहाँ पे रास्ते पे आपको देखिए विंटर वेयर्स भी है, रास्ते पे बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी। हम पूरे दिन पैदल ही घूम रहे, आपको हम गाड़ी पे नहीं चढ़ाए, एक भी पैसा खर्च नहीं करवाए है, ये आप याद रखेंगे। आपको भी ऐसे पैदल घूमना है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे अपने इतना कष्ट नहीं उठाना चाहते तो टैक्सी तो है ही, टैक्सी पे जा सकते हैं। और ये है इंडियन म्यूज़ियम, ये है पार्क स्ट्रीट पे ही है। पार्क स्ट्रीट की 27 जवाहरलाल नेहरू रोड पे है, न्यू मार्केट एरिया के बगल में ये है। ये भी सेंट्रल कोलकाता में पड़ते हैं। ये इंडियन म्यूज़ियम है कोलकाता के। यहाँ पे एक टिकट प्राइस है ₹50 फॉर एडल्ट, और कैमरा के लिए भी आपको 50 ही देना है और ₹50 देना है। ये भी मंडे और हॉलीडेज पे क्लोज रहते हैं। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे भी प्राइस लिखा हुआ है, मंडे क्लोज लिखा हुआ है। हाँ, आपको आधार कार्ड साथ में लाना है, दिखाना पड़ सकता है आपके आइडेंटिटी प्रूफ की तरफ से। और यहाँ फिर हम म्यूज़ियम देखने के बाद फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे न्यू मार्केट शॉपिंग करने। हाँ, और न्यू मार्केट आने से पहले ही देखिए बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे है। तो न्यू मार्केट में आपको हर चीज़ मिलेंगी, बहुत सस्ते में मिलेगी आपको, बहुत
सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो शॉपिंग करने हम अभी जा रहे हैं और थोड़ा खाएंगे भी, तो हम क्या खा रहे हैं क्या खरीद रहे हैं आपको सब दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।